हेलो फ्रेंड्स, आज 26 मई 2022 की करंट अफेयर की क्लास हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, बायोटेक शोधकर्ताओं के लिए पोर्टल किसने लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 2 अमित शाह, ऑप्शन नंबर 3 धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर 4 जितेंद्र सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जितेंद्र सिंह। पोल्डर का नाम बायोरैप है। इसे देश में जैविक अनुसंधान और विकास गतिविधि के लिए नियामक अनुमोदन प्राप्त करने वाले सभी लोगों को सेवा प्रदान करेगा। नेक्स्ट, हाल ही में जेट एयरवेज ने कितने नए वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की? ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 4। जेट एयरवेज ने 4 नए वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनमें पहला नाम प्रभु शरण सिंह जो कि मुख्य डिजिटल अधिकारी हैं, दूसरा एचआर जगन्नाथ इंजीनियरिंग के उपाध्यक्ष, तीसरा मार्क टर्नल इनफ्लाइट उत्पाद और सेवाओं के उपाध्यक्ष, चौथा विशेष खन्ना विक्री वितरण और ग्राहक लियाओ के उपाध्यक्ष। नेक्स्ट, टाटा पावर टाटा मोटर्स कहाँ सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट विकसित करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ, ऑप्शन नंबर 2 पुणे, ऑप्शन नंबर 3 हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 4 इंदौर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पुणे। इस स्थापना से सामूहिक रूप से 23 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिसमें 5.23 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। नेक्स्ट, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 20 मई, ऑप्शन नंबर 2 21 मई, ऑप्शन नंबर 3 22 मई, ऑप्शन नंबर 4 23 मई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 23 मई। यह कछुओं को उनके प्राकृतिक आवास में जीवित रहने और पनपने में मदद करने के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 प्रीमियर लीग चैंपियन का ताज किसे मिला? ऑप्शन नंबर 1 लिवरपूल सिटी, ऑप्शन नंबर 2 मैनचेस्टर सिटी, ऑप्शन नंबर 3 लीड्स यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर 4 आस्टन विला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मैनचेस्टर सिटी। 5 सीजन में यह उनकी चौथी जीत है। नेक्स्ट, हाल ही में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन बना? ऑप्शन नंबर 1 चीन, ऑप्शन नंबर 2 ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर 3 बेल्जियम, ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बेल्जियम। यह चेचक के ही वंश की एक बीमारी है और लक्षणों में एक अलग दाने, बुखार, मांसपेशियों में दर्द और सिरदर्द शामिल हैं। यह चेचक से कम घातक है, इसकी मृत्यु दर 4% से कम है। नेक्स्ट, हाल ही में एंथनी अल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन नंबर 1 चीन, ऑप्शन नंबर 2 ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर 3 बेल्जियम, ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि 31वें नंबर के हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट, किसने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन नंबर 1 एरियन टिटमस, ऑप्शन नंबर 2 माइकल फेल्प्स, ऑप्शन नंबर 3 किरानी जेम्स, ऑप्शन नंबर 4 स्टीवन गार्डिनर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एरियन टिटमस। टिटमस ने पिछले साल टोक्यो खेलों में
200 मीटर फ्री स्टाइल में भी गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फोसिस के सीईओ और एमडी के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर 1 एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन नंबर 2 सलील पारेख, ऑप्शन नंबर 3 अजय कुमार कटियार, ऑप्शन नंबर 4 शक्तिकांत दास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सलील पारेख। जनवरी 2018 से हैं इन्फोसिस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बाद दूसरी सबसे भारतीय आईटी कंपनी है। नेक्स्ट, प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने के लिए किस राज्य ने WEF के साथ साझेदारी की? ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और यहाँ के CM उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।